आप लोगों ने शास्त्रों को बहुत गलत तरीके से कुछ लोगों ने आप तक पहुंचाया और आप लोगों ने उसी को सत्य मान लिया। आज मैं कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा और सही तरीके से मैं आपको उसका सही अर्थ करके बताऊंगा कि शास्त्रों का सही अर्थ करने की बजाय कुछ लोगों ने शास्त्रों का, रामचरितमानस का गलत अर्थ किया। मैं उस गलत अर्थ को पहले सही करके बताता हूं। देखो, रामचरितमानस में चौपाई है सुंदर कांड में कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें एक सज्जन ने हमसे कहा कि गोस्वामी जी क्या स्त्रियों के विरोधी थे जो इन्होंने ऐसा लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपसे सवाल, क्या तुलसीदास जी स्त्रियों के विरोधी थे? उत्तर दो हाँ या ना। क्या स्त्रियों के विरोधी थे? जोर से, जोर से। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन स्त्रियों का विरोध किया है। रामचरितमानस में दो प्रकार की स्त्रियां हैं। एक तो स्त्री है माता सीता, माता अनुसुईया है, और दूसरी स्त्री है सूपनखा। अब बताओ सूपनखा नाम की स्त्री सही थी या गलत थी? जोर से, सही या गलत? तो गलत स्त्री को गलत ही ना कहा जाएगा, और माता सीता सही है तो उन्हें सही कहा जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं अरे राम तुलसीदास जी ने नारियों के लिए ऐसा लिखा। अरे जो नारियां सूपनखा जैसी हैं उनको तो वैसे ही कहा जाएगा भाई। सबको एक तराजू में नहीं तौल सकते ना। सोने की तराजू अलग होती है और टमाटर आलू की तराजू अलग होती है। जिस तराजू में टमाटर तौला जाता है उस तराजू में सोना नहीं तौला जा सकता, और जिस तराजू में सोना तौला जा सकता है उसमें टमाटर नहीं तौले जा सकते। तराजू अलग अलग है। सूपनखा को अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा और माता सीता को अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। माता सीता की तुलना सूपनखा से नहीं हो सकती, और सूपनखा की तुलना माता, हाँ सिंपल। अब यहां अर्थ क्या है, असली अर्थ वो जरा समझिए। ढोल गमार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना। जरा बताओ मेरी मां, ताड़ना का मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या होता है? जोर से, ताड़ना मतलब जल्दी से बताओ मेरी मां, ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब मारना होता है कि देखना? ताड़ना मतलब होता है देखना, ना कि मारना। लेकिन यहां पर लोग उसे मारने अर्थ से लेते हैं। जब आप शास्त्रों का, जब आप रामचरितमानस का गलत अर्थ करेंगे, एक अर्थ आप गलत कर रहे हैं तो पूरी बात गलत हो जाएगी। यहां पर अच्छा बताओ, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? जोर से, अवधी भाषा में। और अवध में आज भी लोग कहते हैं फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें जोर से, फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब फलाने ने हमें देख लिया। ताड़ने का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखना है। अब ढोल, ढोल मतलब ढोलक, तबला। ढोलक और तबला को देखना पड़ता है, ये सुर से उतर तो नहीं गए, देखते रहो, देखना है। ताड़ना मतलब देखना। ढोल गमार, गमार दुष्ट आदमी है जो, शराबी है जो, उसे देखना पड़ता है गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा, देखते रहो। ढोल गमार शूद्र, शूद्र का तात्पर्य है कार्यकर्ता। आप कोई भी काम कराते हैं, खेत में कटाई है, गहाई है,
घर बनवाएंगे तो चिनाई, जुड़ाई, छपाई, प्लास्टर इत्यादि जो कराते हैं, काम देखना पड़ता है, नहीं देखने से काम नहीं होता। आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो फैक्ट्री में कर रहे काम कार्यकर्ताओं को देखना पड़ता है, तो देखना ना कि मारना। ढोल गंवार शूद्र पशु गाय, आप में से कितने लोगों ने गाय और बकरी चराई है? तो गाय और बकरी को देखना पड़ता है, फसल में तो नहीं घुस गई। देखने का कहा है ना कि मारने का। गाय को मारने का क्यों कहेंगे, मारती रहो। और स्त्री, स्त्री को देखते रहो। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं जा रहा हूं मृग को लेने, जरा सीता को तुम देखते रहना। और सीता को छोड़कर लक्ष्मण जी चले गए तो रावण उठाकर ले गया कि नहीं? तो तुलसीदास जी कहते हैं अपनी अपनी स्त्रियों को, बाप अपनी बेटी को देखता रहे, पति अपनी पत्नी को देखता रहे, बेटा अपनी माँ को देखता रहे कि माँ ने दवाई समय से ली कि नहीं, स्वास्थ्य सही है कि नहीं। यदि स्त्रियों को सही वक्त पर सही तरीके से नहीं देखा गया तो कल को कोई रावण उसे उठा कर ना ले जाए। इसलिए नारियों को देखते रहो। देखने का कहा है, मारने का नहीं। लेकिन आपने अर्थ गलत कर लिया, आपने ताड़ने का अर्थ कर लिया मारना, तो बात गलत हो गई। तुलसीदास जी ने जो कहा, एक गाना 1940-45 के बीच में एक पिक्चर आई, उसमें एक गाना है देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ये गाना आप YouTube पर सुनना। उसमें एक लाइन है दूरबीन से ताड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, उसमें एक लाइन है कि दूरबीन से, जोर से, दूरबीन से ताड़ के। ये गाना लगभग 1945 और 50 के बीच का गाना है, उसमें भी ताड़ शब्द का प्रयोग किया गया। तो ताड़ना मतलब क्या था, दूरबीन मतलब, दूरबीन जानते हैं ना, दूरबीन से ताड़ के। आप भी ये गाना सुन सकते हैं तो आपको भी ये लाइन समझ में आएगी, दूरबीन से ताड़ के। तो वहां ताड़ना शब्द का अर्थ देखने से है, ना कि मारने से। हाँ या ना, जोर से, अरे बोलो मेरी माँ। किससे है, देखने से। किससे है, दूरबीन से। गाना इस प्रकार है, देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, अरे नंग दड़ंग मलंग जनों को, अरे अरे नंग मलंग दनंग, अरे नंग दलंग, अरे नंग दड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पर। तो यहां दूरबीन से, जोर से, दूरबीन से, जो दूरबीन से ताड़ के, ताड़ के मतलब दूरबीन से देख के। तो यहां देखने से अर्थ है ना कि, ना कि। जैसे इंग्लिश में सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। एक शब्द के दो अर्थ यदि इंग्लिश में है तो फिर हिंदी में क्यों नहीं हो सकते साहब? ताड़ना मतलब देखना अर्थ है यहां पर, ना कि मारना। अब आप मारना करेंगे तो गलती तुलसीदास जी की नहीं है, आपकी है, जो आप अर्थ गलत कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परोपकार करो, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित करना सबसे बड़ा धर्म है। तुलसीदास जी की जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण कर लो, जो तुम्हें समझ में नहीं आता उसे बड़े समझदार लोगों से, गुरुजनों से पूछ लो। अब कुछ लोग ना तो सही अर्थ करते हैं और ना सही समझाने पर मानते हैं।